हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोनोफोंग साउंड्स और डायफोंग साउंड्स के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये मोनोफोंग साउंड्स है, डायफोंग साउंड्स है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। ये सारे साउंड्स के अगर हमें आईपीए पता है, आईपीए यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट, उनके सिंबल्स अगर पता है और उसमें से कौन सा साउंड निकलता है वो हमें पता है, तो हम किसी भी आईपीए ट्रांसक्रिप्शन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे। जैसे कि ये आईपीए ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, इसका कन्वर्जन यानी इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पैन। ये जो आईपीए ट्रांसक्रिप्शन है ये हमें कैन बताता है, इसका मतलब होता है बॉक्स। ये शायद से आपने ये चीज डिक्शनरी में देखी हुई होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि आईपीए यानी क्या। तो जैसे कि इंग्लिश के अंदर ए टू जेड ऐसे कुल 26 अल्फाबेट आते हैं, ऐसे ही फोनेटिक्स के अंदर भी कुछ अल्फाबेट्स आते हैं। वो अल्फाबेट, वो साउंड के अल्फाबेट को हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट। और ये रहे उनके सिंबल, या फिर बोल लो ये रहे अल्फाबेट, किसके, फोनेटिक्स के अल्फाबेट, नहीं के ऑर्डिनरी इंग्लिश के ए बी सी डी वाले अल्फाबेट। ये शायद सारे फोनेटिक्स के अल्फाबेट है। तो हम शुरू करते हैं अब मोनोफोंग साउंड्स के बारे में। मोनोफोंग साउंड यानी क्या, जो प्योर वॉवेल हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोनोफोंग साउंड यानी क्या, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड हो। ठीक है, कैसे तो देख लेते हैं। ये मोनोफोंग टोटल 12 इसके अल्फाबेट होते हैं, या 12 मोनोफोंग साउंड होते हैं। पहला जो सिंबल है इसे बोलते हैं अ, अ, अवे, अराउंड, एंगर, अ, अ। नेक्स्ट सिंबल को बोलते हैं अ, अ, बट, कट, अप, अ, अ। नेक्स्ट जो सिंबल है इसे बोलते हैं अर, अर, बर्न, वर्क, हर, हर, अर, अर। नेक्स्ट जो सिंबल आता है उसे बोलते हैं आ, आ, बास्केट, आस्क, कार, फार, आ, आ। नेक्स्ट जो सिंबल है उसे बोलते हैं ए, ए, बैट, बैट, मैन, टेन, ए, ए। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है उसे बोलते हैं ए, ए, बैट, बैड, मैन। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है उसे बोलते हैं ई, ई, बिट, बिड, सिट, हिट, ई, ई। नेक्स्ट जो बचे हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है ई, ई, बीट, बीड, मी, सी, वी, ई, ई। नेक्स्ट है ओ, ओ, पुल, पुट, फुट, हुड, ओ, ओ। नेक्स्ट है ओ, ओ, रूट, यू, टू, पुल, पू, ओ। नेक्स्ट है ओ, कॉट, बॉल्ड, लो, ओ। नेक्स्ट है ओ, ओ, कॉट, बॉक्स, ऑक्स, हॉट, ऑन, अ, अ। तो ये सारे हो गए हमारे कौन से, मोनोफोंग साउंड, जो के 12 थे। अब हम पढ़ लेते हैं डायफोंग साउंड। डायफोंग साउंड टोटल होते हैं हमारे 8। ठीक है, अब डायफोंग साउंड यानी क्या, जिसके अंदर दो साउंड हो, तो ऐसे साउंड को हम बोल देंगे डायफोंग साउंड। एक एक करके देख लेते हैं। पहला साउंड आता है ए, ए, डे, से, वे, ए, ए। नेक्स्ट आता है आई, आई, बाय, माय, आई, आई, आई। नेक्स्ट आता है ओय, ओय, बॉय, टॉय, जॉय, एंजॉय, ए, ओय। नेक्स्ट आता है ओ, ओ, नो, सो, गो, ओ, ओ। नेक्स्ट आता है आओ, आओ, काउ, अलाउ, नाउ, आओ, आओ। नेक्स्ट आता है ईयर, ear, hear, appear, fear, ear, ear. Next आता है year, year, sure, cure, year, year. और आखिर में आता है air, air, hair, care, fair, air, air. तो ये सारे थे डायफोंग साउंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।